हेलो बच्चों, आज हम बच्चों 5.3 एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, जो हमारे पास किस पर बेस है, इनवर्स फंक्शन पर। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, अब हम उनको सोल्व करेंगे। तो हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स के। आपके पास y फंक्शन दे रखा है बच्चों, क्या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, dy by dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्या आपके पास इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स है। तो आप क्या यूज करोगे बच्चों, आप फॉर्मूले पुट करके क्या करोगे बच्चों, आप अंदर क्या बनाओगे, साइन बनाओगे, ताकि आपके पास साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो आप यहाँ पे बच्चों क्या पुट करोगे, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है, तो बच्चों यहाँ पे हम देखो क्या पुट करेंगे, x को पुट, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया बच्चों। x इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया बच्चों, टेन थीटा। हमने क्या किया, x को क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस 10, कितना आ जाएगा, स्क्वेयर थीटा। हमारे पास कितना आ गया, 2 tan थीटा 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कितना आ गया, वाई, ये आपके पास कितना आ गया, वाई आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपके पास बच्चों क्या होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा। ये आपके पास बच्चों फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का किस फॉर्म में बच्चों, टेन के फॉर्म में। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड साइन इनवर्स। तो ये आपके पास कितना आ गया, साइन 2 थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, साइन 2 थीटा आ गया। तो साइन से साइन इनवर्स कितना, वाई आपके पास कितना बच गया बच्चों, 2 थीटा आ गया। वाई आपके पास कितना बच गया बच्चों, 2 थीटा आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं बच्चों, वाई का किसके रिस्पेक्ट हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखो, y आपके पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब हम यहाँ पे क्या रख दे बच्चों, थीटा की वैल्यू रख दे। थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x। हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x। देखो बच्चों, यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड था हमको उसको बिल्कुल ईजी वे से, हमारे पास कितना आ गया बच्चों, tan इनवर्स x आ गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, और 2 के साथ चल रहा था बच्चों आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, 2 tan थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा आपके पास आ गया था tan इनवर्स x। तो यहाँ से बच्चों देखो, d बाई डी एक्स किसका हो जाए, 2 tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, 2 आपके पास कॉन्स्टेंट है बच्चों, थ्रू आउट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 dy dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपके पास पता आपको क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का होता है बच्चों आपके पास 1 प्लस एक्स के। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका क्या हो जाता है बच्चों, स्क्वेयर हो जाता है। फिर आप किसका करते हो बच्चों, एंगल का, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स से रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, डी वाई डी एक्स आ गया। ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, dy dx आ गया। tan इनवर्स आपके पास कितना होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। ठीक है, फिर x का x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो बच्चों, या आप इसको बच्चों क्या कर सकते हो, आप sin इनवर्स का फॉर्मूला लगा के, sin इनवर्स का क्या होता है बच्चों, sin इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होता है बच्चों, 1 ओवर √1 − x² होता है बच्चों। तो यहाँ पे इसको क्या ट्रीट करोगे बच्चों, x ट्रीट कर लो, यहाँ पे पुट कर दो। फिर किसका होता है बच्चों, डी एक्स का, डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x। यहाँ पे फिर क्या लगाओगे, डिविजन रूल लगाओगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने क्या किया, साइन इनवर्स था, अंदर आपके जो फंक्शन था, एंगल था, उसको क्या बना दिया, साइन की फॉर्म में ले आए। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया और आपके पास इजी वे से सोल्व हो गया। देखो बच्चों,
टेंथ क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x के, और इसमें आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, जो x है ना वो वेरी कर रहा है आपके पास कहां से, कहां माइनस 1 बाई रूट 3 से, 1 बाई रूट 3 जो x वेरी कर रहा है हमारे पास कहां से कहां है, माइनस 1 बाई रूट 3 और कहां तक 1 बाई रूट 3 तक, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास यहां पे बाहर क्या है, टेन इनवर्स है। आप बच्चों क्या लगाओ, इसको x को कुछ ना पुट करोगे तो अंदर क्या बना दोगे, टेन बना दो, ठीक है। टेन इनवर्स है अंदर क्या बना दोगे, टेन बना दोगे, तो टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करोगे बच्चों, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x आपने क्या पुट कर दिया बच्चों, टेन थीटा, यहां से थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। x आपने क्या पुट कर दिया बच्चों, टेन थीटा पुट कर दिया, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x। तो अब यहां से कितना आएगा बच्चों पुट करने के बाद, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, हो गया बच्चों। अब देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है बच्चों आपके पास, टेन 3 थीटा के इक्वल होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा आपके पास क्या होता है बच्चों, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ये इसके इक्वल होता है बच्चों, टेन 3 थीटा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से टेन इनवर्स टेन 3 थीटा लिख सकता हूँ बच्चों, में 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट। y आपके पास कितना आ गया बच्चों, यहाँ से y कितना आ गया, 3 थीटा आ गया, 3 थीटा आ गया, और थीटा आपके पास कितना है बच्चों, 10 इनवर्स x। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3 10 इनवर्स x लिख सकता हूँ बच्चों, y हमारे पास कितना आ गया, 3 10 इनवर्स x आ गया। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 3 टेन इनवर्स x, हो गया बच्चों, ठीक है। अभी देखो बच्चों 3 क्या आपके पास कॉन्स्टेंट है, थ्रू आउट डेरिवेटिव dy वाई डी एक्स टेन इनवर्स x, यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3 टेन इनवर्स x का मैंने अभी बताया था बच्चों क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर किसका करते हो बच्चों, एंगल का, एंगल कितना है x है, तो dx का dx के साथ कितना हो जाएगा, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, dy by dx आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आपके पास कितना आ गया बच्चों, dy by dx 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया, ठीक है बच्चों। देखो 11th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जबकि हमारे पास x क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो बच्चों बाहर क्या है, कोस इनवर्स, तो हम अंदर क्या बना दे बच्चों, कोस बना दे, ठीक है। अंदर कोस बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट x को क्या पुट कर दे बच्चों, बताओ कि अंदर हमारे पास क्या आ जाए, कोस आ जाए। तो मैं अंदर यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दो बच्चों, देखो tan थीटा, x को मैंने क्या पुट कर दिया, tan थीटा, यहां से थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x आ जाएगा, थीटा हमारे पास कितना आ गया, tan इनवर्स x आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखो मैंने यहां पे क्या पुट किया है, x को tan थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। अब ये बताओ बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपके पास किसका होता है, कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, इन टेन फॉर्म, टेन की फॉर्म में आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस
टेन स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे बच्चों, इसको कोस इनवर्स कोस टू थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से कोस इनवर्स, तो वाई आपके पास कितना आ गया टू थीटा, यहाँ से वाई कितना आ गया आपके पास टू थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, क्या रख दूँ थीटा की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास वाई इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों, हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दो बच्चों, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कर दो बच्चों डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स डी वाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों। अब ये देखो बच्चों, टू आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट है, थ्रू आउट डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स का आपको पता है बच्चों कितना हो जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर डी एक्स का डी एक्स के साथ कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स टू ओवर वन प्लस एक्स के, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया टू ओवर वन प्लस एक्स के, ठीक है बच्चों। देखो हमारे पास बच्चों ट्वेल्थ क्वेश्चन है क्या, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स हमारे पास कहाँ पे दे रखा है जीरो और वन के बीच में, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम टाइप थी, वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या पुट किया था हमने एक्स को टेन थीटा पुट किया था, यहाँ पे भी क्या कर दो बच्चों पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट कर दिया बच्चों एक्स को क्या पुट कर दिया टेन थीटा, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा थीटा कितना आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों यहाँ से आपके पास थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स एक्स, तो आप क्या पुट कर दो एक्स को टेन थीटा पुट कर दो ऊपर, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, हो गया बच्चों। ये आपके पास क्या बन रहा था बच्चों वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, किसके इक्वल होता था बच्चों कोस टू थीटा के इक्वल होता था, ठीक है कोस टू थीटा के इक्वल होता था, तो यहां से आपके पास ये कितना आ गया साइन इनवर्स कोस टू थीटा आ गया बच्चों, ठीक है कोस टू थीटा आ गया। अब बच्चों देखो कोस को हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे पाई बाई टू माइनस कर देंगे, तो अब यहां से हम क्या कर देंगे इसको साइन में चेंज लाएंगे तो क्या कर देंगे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कर देते थे बच्चों, यहाँ पे कितना एंगल टू थीटा, तो हम क्या कर देंगे पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो आपके पास कोस किस में चेंज हो गया साइन में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आपके पास कितना आ गया वाई बच्चों पाई बाई टू माइनस ऑफ टू थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू वापिस रख दो, थीटा की वैल्यू वापिस रखोगे तो क्या आएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया बच्चों आपके पास क्या आ गया वाई आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर दो बच्चों वाई आपके पास कितना आ गया पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स आ गया, अब आप क्या कर दो बच्चों डिफ्रेंसिएशन कर दो, ठीक है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों यहां से देखो dy by dx पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये देखो बच्चों यहां से u माइनस v क्या हुआ आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, तो आप क्या कर दो u का अलग कर दो बच्चों और v का अलग कर दो पाई बाई टू माइनस dy dx। अब ये देखो बच्चों टू कॉन्स्टेंट है, टू को मैंने बाहर ले लिया, किसका हो जाएगा टेन इनवर्स x का, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों पाई बाई टू यहाँ पे कोई x का वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन कैसा है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जीरो होता है, ये तो जीरो आ गया बच्चों। टेन इनवर्स x का हम बहुत बार कर चुके हैं बच्चों, टेन इनवर्स x का कितना आ जाएगा माइनस टू वाई वन प्लस एक्स के, फिर x का x के साथ करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो आपके पास dy by dx कितना आ गया बच्चों माइनस ऑफ टू
वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गया किस फंक्शन का, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखो थर्टीन क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या दे रखा हमारे पास फंक्शन, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों हमारे पास, और x हमारे पास कहां से कहां दे रखा, माइनस वन से वन। हमने क्वेश्चन किया था बच्चों जिसके अंदर हमारे पास दे रखा था टू एक्स और वन प्लस एक्स के, तब हमने वहां पे क्या किया था, देखो पुट वहां पे हमने x को क्या पुट किया था बच्चों, x को टेन थीटा पुट किया था बच्चों, हमने x को क्या पुट किया था वहां पे, टेन थीटा पुट किया था। यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स था बच्चों, उस क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स हमारे पास कितना पुट कर दिया, टेन थीटा, तो यहां से थीटा कितना जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स। हमें क्या बनाना है अंदर बच्चों, कोस बनाना है। ठीक है, कोस साइन टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा, कोस इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, जब मैंने बताया था ये टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये आपके पास किसका होता है बच्चों, साइन टू थीटा का। ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, आपके पास साइन टू थीटा का होता है, किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स साइन टू थीटा आ गया बच्चों। अब देखो अंदर साइन है बाहर कोस है बच्चों, कोस इनवर्स है यानी। ठीक है, अभी अंदर बच्चों क्या बनाना है, हमें कोस बनाना है, तो कोस बनाना है तो क्या करेंगे, कोस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, पाई बाई टू माइनस टू थीटा कर देंगे, पाई बाई टू माइनस टू थीटा एंगल कर देंगे। ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा कर देंगे तो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा हो जाएगा बच्चों हमारे पास। अब ये देखो कोस से कोस इनवर्स भाग गए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापिस रख दो बच्चों, कितनी आ जाएगी, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। आपके पास कितना आ गया बच्चों, वाई ये आ गया, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब क्या कर दो बच्चों, डिफ्रेंशिएशन कर दो, वाई आपके पास कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स। अब क्या कर दो बच्चों, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कितना जाएगा बच्चों, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा, डी वाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। कितना जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। क्या करोगे, यू माइनस वी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, बिल्कुल सेम है बच्चों पीछे वाले की तरह, डी वाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो बच्चों डेरिवेटिव से, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, टू बाहर है, टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है बच्चों, वन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। फिर एक्स का वेरिएंस एक्स के साथ कितना आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। देखो बच्चों यहां तक हमने इसको सोल्व कर दिया, देखो फोर्थीन क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फोर्थीन क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रखा है कि वाई आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि बार एक्स आपके पास कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनस वन बाई रूट टू से प्लस वन बाई रूट टू तक। ठीक है, अब ये देखो बच्चों बार साइन इनवर्स है तो अंदर आपको क्या बनाना है, साइन बनाना है। ठीक है, तो साइन बनाना है तो आप क्या पुट करोगे बच्चों, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे टू एक्स है, टू एक्स है, ठीक है, यहाँ पे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं अगर x को क्या पुट कर दूं बच्चों, साइन पुट कर देता हूँ, देखो साइन थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा, यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, कोस थीटा, तो कितना बच जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, साइन टू थीटा हो जाएगा, तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये आ गया,
कर दो बच्चों पुट, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से एंड रूट कैंसिल आउट, तो यहां से कितना होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके पास क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये आपके पास, कि यहां से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहां से कितना आ गया साइन 2 थीटा, ठीक है। तो y आपके पास कितना आ गया बच्चों 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो बच्चों कितना आ जाएगा y आपके पास 2 साइन इनवर्स x, तो आपके पास y कितना आ गया बच्चों, y आ गया आपके पास 2 साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों आपके पास क्या आ गया y 2 साइन इनवर्स x। अब क्या कर दो बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू dy dx ओ 2 साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों 2 साइन इनवर्स x। अब बच्चों 2 आपके पास क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dy dx साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x आपको पता है बच्चों क्या होता है dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, क्या होता है बच्चों 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है बच्चों, dx का dx के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 2 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, फिर dx का dx के साथ कितना हो जाएगा बच्चों ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों dy by dx 2 ओवर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों रिक्वायर्ड dy by dx आ गया, किस फंक्शन का इस फंक्शन का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके पास 5.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 15th, जो आपके पास क्या दे रखा है y is equal to secant inverse 1 by 2x square minus 1, और 0 से कहां के बीच लाई कर रहा है बच्चों x 1 by root 2 के बीच में, 0 और 1 by root 2 के बीच में x लाई कर रहा है आपके पास। अब ये देखो बच्चों बाहर आपके पास secant inverse है, अंदर आपको क्या बनाना है बच्चों secant बनाना है, तो secant बनाना है तो आप क्या करोगे बच्चों, ऊपर तो है नहीं कुछ आपके पास 1 है, अब नीचे बच्चों आप क्या पुट कर दो x को क्या पुट कर दो बच्चों cos थीटा पुट कर दो, ठीक है, तो नीचे आप क्या बना लोगे 1 ओवर cos बना लोगे, तो 1 ओवर cos बना लोगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा secant हो जाएगा बच्चों, और फिर secant inverse secant का कैंसिल आउट। अब ये देखो बच्चों यहां पे आप क्या पुट कर दोगे पुट x = cos थीटा, x को क्या पुट कर दोगे बच्चों cos थीटा, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास cos inverse आ जाएगा आपके पास, ठीक है आपके पास क्या आ गया cos इनवर्स x आ गया। अब ये देखो बच्चों यहां पे आपने पुट किया secant इनवर्स 1 ओवर 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों माइनस 1 हो गया बच्चों आपके पास, ठीक है यहां पे क्या चल रहा था y। अब ये बताओ बच्चों आपने फार्मूला पढ़ रखा है क्या cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों 1 plus cos 2 थीटा ओवर 2, cos के थीटा बच्चों आपके पास किसके इक्वल होता है 1 plus cos 2 थीटा by 2 के, यहां से क्या आ जाएगा 2 यहां पे ले लो बच्चों 2 cos के थीटा 1 plus cos 2 थीटा, ठीक है अब minus 1 यहां पे ले लो बच्चों आपके पास क्या है 2 cos के थीटा minus 1, 2 cos के थीटा minus 1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहां से बच्चों 2 cos के minus 1 को हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको secant inverse 1 over cos 2 थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है आगे बात समझ में बच्चों। अब ये देखो बच्चों 1 by cos क्या होता है secant होता है बच्चों, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा secant inverse secant 2 थीटा, ठीक है यहां से y आपके पास कितना रह जाएगा बच्चों 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों कितना cos इनवर्स x, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा y आपके पास आ गया बच्चों क्या 2 cos इनवर्स x, ठीक है बच्चों y आपके पास क्या आ गया cos इनवर्स x, तो यहां से आपके पास y आ गया बच्चों क्या आ जाएगा cos इनवर्स x into 2,
ठीक है, यही याद है बच्चों। अब आप क्या कर दोगे बच्चों, डिफ्रेसिएशन, डिफ्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स टू कोस इनवर्स एक्स हो गया बच्चों। यहां से टू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों, हो गया। अब बताओ कोस इनवर्स एक्स का मैंने बता रखा है बच्चों, क्या होता है आपके पास कोस इनवर्स एक्स का, आपके पास डिफ्रेसिएशन होता है बच्चों क्या, वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, साइन का, ये तो ये साइन का होता है बच्चों, वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोस का क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास कितना आ जाएगा, टू माइनस लगा दो बच्चों रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किसका करते थे बच्चों, एक्स का करते थे, एक्स का एक्स के साथ कितना आ जाएगा बच्चों, वन, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों, डी एक्स का डी एक्स के साथ वन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू रूट वन माइनस एक्स के, ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। देखो बच्चों, ये बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 5.3 आज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर बच्चों आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, ठीक है बच्चों, और आप इसको इजी वे से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो फॉर कंप्लीट टॉपिक वाइज सोल्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सिलेबस ऑफ ऑल बोर्ड्स सीबीएसई आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स Please visit www.preducate.in. You can also download the Preducate mobile app from Play Store on your mobile phones. Thank you.